फ्रेंड एफसीसी फॉर यू में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल के जरिए कंप्यूटर फुल्ली ट्यूटोरियल और साथ ही साथ कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी भी पा सकते हैं। शुरू करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके द्वारा मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल वर्क किया जाता है, जो सूचना व आंकड़ों को निर्देश द्वारा तैयार करता है। आज के दौर में कंप्यूटर के बिना जीवन अधूरा है। कॉलेज, बैंक, ऑफिस, सभी जगह देखिए दोस्तों, कंप्यूटर ही कंप्यूटर आपको नजर आएगा। शुरू में लोग तो कंप्यूटर पर कार्य करने से डरते हैं। वह समझते हैं कि कंप्यूटर पर कार्य करना कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप धीरे धीरे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सीखेंगे, आपको काफ़ी आसान नज़र आएगा। इस पर कठिन से कठिन कार्य आसानी से किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार। ऐसे तो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करने जा रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, जिसे शॉर्ट में पीसी भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है डेस्कटॉप, जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। डेस्कटॉप में सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड इत्यादि सभी अलग अलग होते हैं, और इसे कहीं टेबल या मेज पर रखकर उपयोग करते हैं, इसलिए इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा है दोस्तों लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर में सीपीयू, मॉनिटर, माउस सभी एक साथ अटैच रहता है, और यह हल्का होता है, इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कंप्यूटर के भाग। सभी प्रकार के कंप्यूटर में दो भाग होते हैं। पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत वे सभी भाग आते हैं जिसे छुआ या नापा जा सकता है। जैसे दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर इत्यादि बहुत सारे उपकरण होते हैं। दूसरा है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वह भाग होती है जिसे हार्डवेयर फॉलो कर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का योजना क्रमबद्ध समूह है, जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सॉफ्टवेयर जो कि आप स्क्रीन पर इस पिक्चर के जरिए देख रहे हैं, जैसे कि विंडो, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूसी ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वर्ड इत्यादि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधे जुड़े होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल,
लिनक्स इत्यादि बहुत सारे कंपनी हैं दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। दूसरा है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप पिक्चर के जरिए देख रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होता है जो यूज़र को कंप्यूटर में कार्य को पूरा करने में मदद करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेज मेकर, कोलर ड्रो, एक्सेल, एक्सेस, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर के तीन अंग होते हैं, पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा है आउटपुट डिवाइस। जिस तरह दोस्तों एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल अथवा डीजल की आवश्यकता होती है, उसी तरह कंप्यूटर में डाटा भरने या निर्देश देने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है, जिसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीडी, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, माइक्रोफोन इत्यादि। दोस्तों कीबोर्ड और माउस प्राथमिक इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड में दोस्तों बहुत सारे की होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टाइपराइटर की, फंक्शन की, कर्सर कंट्रोल की, इंटर की, सिस्टम की, एप्लीकेशन की, कंप्यूटर की, डेड की। माउस में दोस्तों दो बटन होते हैं, लेफ्ट, ये लेफ्ट बटन है दोस्तों, और ये राइट बटन। इसमें एक चक्का सा बना रहता है जिसके द्वारा आप पेज को अप डाउन कर सकते हैं। लेफ्ट बटन हम प्रेस कर कर ज़्यादातर एप्लीकेशन चलाते हैं, राइट बटन प्रेस करने पर इंडेक्स मेनू खुलता है जो सभी प्रोग्राम में अलग अलग शॉर्टकट भी होता है। बीच में चक्का सा बना रहता है, उसे स्क्रॉल कहते हैं। इसकी मदद से पेज को नीचे ऊपर खिसकाया जाता है। दोस्तों चलिए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट भाग, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक बॉक्स की तरह होता है, इसमें छोटे छोटे अनेक डिवाइस होते हैं जो सभी मिलकर इनपुट डिवाइस से प्राप्त हुए डेटा को प्रोसेस करती है और उपयोगी बनाती है, और उसे आउटपुट डिवाइस पर भेजती है, साथ ही साथ स्टोर भी करती है। सीपीयू दिमाग की तरह काम करती है। कंप्यूटर में वह डिवाइस जो डाटा संग्रहण और संरक्षण को नियंत्रित करता है, उसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जिस डिवाइस के द्वारा हम अपने रिजल्ट प्राप्त करते हैं, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर पर हम शब्दों, अंकों व चित्रों को देखते हैं। स्पीकर से हम आवाज़ को सुनते हैं। प्रिंटर से हम पेज को प्रिंट करके निकालते हैं। इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं दोस्तों जिसका कार्य अलग अलग है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेस या सीपीयू प्रोसेस की जाती है, फिर कंप्यूटर की मेमोरी या आरएएम में संरक्षित की जाती है। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला है प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को रैम कहते हैं, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर की गति रैम पर ही निर्भर रहती है। डाटा और निर्देश मुख्य मेमोरी में रहते हैं, जहाँ से ये प्रोसेस कर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सीपीयू में पुनः प्राप्त किए जाते हैं। प्राथमिक
प्राथमिक मेमोरी सीमित होती है, इसलिए असीमित डाटा को सुरक्षित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी पर डाटा को सीधा प्रोसेस नहीं कर सकता। पहले उसे रैम पर नकल तैयार किया जाता है, फिर द्वितीयक मेमोरी पर प्रोसेस किया जाता है। कुछ डिवाइस जो द्वितीयक मेमोरी की तरह कार्य करती है, जैसे कि पिन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी इत्यादि, कंप्यूटर सभी सूचनाएं केवल दो अंकों 0 और 1 में संचित करता है। एक अकेली बाइनरी डिजिट अर्थात 1 अथवा 1 0 को बिट कहते हैं। 8 बिट्स के ग्रुप को एक बाइट कहते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर इस पिक्चर में देख रहे हैं। एक बाइट 8 बिट्स, 1 किलोबाइट 1 KB 10 से 24 बाइट, 1 मेगाबाइट 1 MB 10 से 24 KB, 1 गीगाबाइट 1 GB 10 से 24 MB। दोस्तों, अगले लेशन में हम प्रोग्राम की ओर चलेंगे और आपको शुरू से लेकर दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोग्राम को सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू माय वाचिंग वीडियो।